इधर झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग के कुछ अफसरों के खिलाफ हाल के दिनों में हुई ईडी की पूछताछ के बाद कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हो गए हैं जो ईडी को मैनेज करने का दावा करने लगे हैं। और ऐसा ही एक शख्स इन दिनों खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े अफसरों को एक खास मोबाइल नंबर से कॉल और व्हाट्सएप कर रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि उसकी ईडी में विशेष पकड़ है, जो भी आरोप होंगे उसे वो मैनेज कर देगा। इसके एवज में उसने कुछ राशि की भी डिमांड कर दी है। ट्रू कॉलर ऐप में ये नंबर कारू सर राम के नाम से दिख रहा है। मामला चर्चा में आने के बाद ईडी के अधिकारी भी चौकन्ना हो गए हैं और अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। ये नंबर आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, यही वो नंबर है जिससे ये कॉल आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, ये जो कॉल करने वाला शख्स है वो ये कह रहा है कि वो ईडी को मैनेज कर सकता है। रुक करते हैं, अपने सहयोगी अंजनी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, कोई शख्स है जो ईडी तक को मैनेज कर सकता है और अफसरों को ये कहा जा रहा है कि आप पैसे दीजिए, ईडी को मैनेज कर लिया जाएगा, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जब से ईडी की जांच चल रही है, अपनी जांच पड़ताल चल रही है, तो कई ऐसे लोग भी सक्रिय हैं। इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो साइबर फ्रॉड का मामला हो सकता है, क्योंकि जो साइबर क्राइम करने वाले लोग जो है ऐसे समय में बड़ा पैनी नजर रखते हैं, और दूसरा एक ऐसा ग्रुप है जो हो सकता है कि सिर्फ पैसा उठा ले और बाकी वो अपना भाग जाए। तो ये क्योंकि ईडी के साथ पंगा लेना, हमें लगता है कि आज के डेट में कोई भी यदि पकड़ा जाएगा तो उसे अलग तरह का पनिशमेंट होगा। तो इसमें हमें लगता है कि एक तो साइबर जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं जो पैसे की उगाही करते हैं, तो वैसे लोग भी ट्रैप कर रहे हैं वैसे लोगों को, क्योंकि ये लगातार खबरें भी हर तरफ दिख रही कि राज्य के जिला के खनन पदाधिकारी जो हैं उनका किस तरह से इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट रहा है और पूछताछ से कई बातें जो हैं वो सामने आई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ईडी के दफ्तर में, ये देखिए, एक मिनट सर, ये देखिए साहेबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति जी प्रवेश कर गए हैं, आरती में रोक रहा हूँ, ये देखिए उन्होंने न्यूज 11 की ओर अपना चेहरा दिखाया है और ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, साहेबगंज के जो जिला खनन पदाधिकारी हैं वो प्रवेश किए हैं और कहीं ना कहीं अब जो है जो ईडी चाह रही थी वो तमाम चीजों का खुलासा होगा। आरती, तो ये हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, ये कहा जा रहा था अंजनी कि विभूति कुमार पहुंच नहीं रहे, मोहलत मांग रहे, भाई दिक्कत क्या है, सवालों से क्यों भाग रहे हैं, लेकिन विभूति पहुंचे और उन्होंने इशारा भी किया कैमरे की तरफ। अब देखिए सबसे यूनिक बात है कि अभी तमाम वैसे लोग जो हैं अब बड़े गाड़ियों में नहीं आ रहे हैं, वे आए हैं स्कूटर में, तो वो स्कूटर से यहाँ पहुंचे और यहाँ से प्रवेश हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने थोड़ा इशारा अपने कैमरे की तरफ अपना चेहरा जरूर दिखाया और अब जो है वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो जिसका इंतजार ईडी को भी था, अब जो है कई राज जो है वो खुलेंगे। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि विभूति जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं और अपने हाथों में एक फाइल भी है, लेकिन चेहरे में एक अलग खुशी, एक आत्मविश्वास जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन एक डर जो है उनके मन में जरूर होगा जो उनके फिजिकल अपीयरेंस से पता नहीं चला। लेकिन ऐसे सवाल होंगे ईडी के जो ये इस मुस्कान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए धनबाद की बात कर ले आप, भागलपुर की बात कर ले आप, साहेबगंज की बात कर ले आप, या कोलकाता समेत कई और राज्यों की बात कर ले आप जहां पर इन्होंने अकूत संपत्ति जमा कर रखी है, उनका हिसाब अब देना पड़ेगा, उनके बारे में बताना पड़ेगा और अब ये पहुंचे हैं तो अब ये सवाल जवाब। देखिए अब यहाँ पहुंचे हैं तो सवाल जवाब जरूर होगा। हमारे साथ इमरान भी हैं जो अंदर जाकर तस्वीर भी ले रहे थे अपने मोबाइल से।
इमरान, आपने नजदीक से देखा विभूति को, क्या आकलन होगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिछले कई दिनों से साहिबगंज के जो डीएमओ हैं विभूति कुमार, इनकी इनको संबन जारी करते हुए इनको बुलाने की डिमांड की गई थी ईडी के द्वारा, और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ईडी के कार्यालय में पहुंच करके पूजा सिंघल और डीएमओ साहिबगंज दोनों को आमने सामने बैठा करके कई सवाल जवाब किए जा सके। लेकिन पिछले दिनों शादी का हवाला देकर, जो कि इनकी बेटी की शादी थी, उनको हवाला देकर के ये कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे ईडी कार्यालय, जिनकी वजह से पूछताछ नहीं हो पा रही थी। पिछले दो दिनों से शनिवार और रविवार का दिन अगर देखें तो पूछताछ ईडी कार्यालय में बेहद कम हुई। पूजा सिंघल के अलावे अभिषेक झाही कई सिर्फ कार्यालय पहुंचते थे, कुछ बड़े लोग इस कार्यालय में नहीं पहुंचते थे। हालांकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि आखिर विभूति कुमार क्यों भागे फिर रहे हैं, कहां आखिर हैं, किस वजह से ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे। लेकिन चूंकि फिर से एक बार दोबारा समन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि समय मांग रहे हैं, लेकिन ईडी ने वो समय नहीं दिया और जिसके वजह से आज उसको ईडी कार्यालय पहुंचना पड़ा था। अब यहां से किन सवालों के जवाब होंगे, कितने सवाल इनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे अवैध खनन से। अवैध खनन को लेकर के साहिबगंज जो है वो केंद्र बिंदु बना हुआ है, और केंद्र बिंदु होने की वजह से लगातार वहां पर के जो डीएमओ को तलब की जा रही थी और कई अधिकारियों से भी पिछले दिनों पूछताछ की गई थी। इसके अलावा गंगा घाट पर पिछले दिनों जो घटना हुई थी और घटना के दौरान जो अवैध खनन का भी चर्चाएं लगातार हुई थी, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि साहिबगंज के जो डीएमओ हैं ये इस पूरे मामले में एक बड़ा रुख रख सकते हैं, बड़ी जानकारी जो है वो ईडी को दे सकते हैं। चूंकि पूजा सिंघल खनन सचिव रही हैं, ऐसे में इनकी पूरी जानकारी जो है अब तक पूजा सिंघल से जो भी बातें हुई हैं, हालांकि ये भी बातें जानकारी मिल रही कि पूजा सिंघल ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है, घुमा करके सारी बातों की जानकारी देती है, फंसा करके। अभी जो है पूजा सिंघल की जो अवधि है वो मात्र आज से देखे तो मात्र 3 दिनों का, और रिमांड का जो समय है मात्र 3 दिन, बड़ा क्रूशियल, बहुत कम समय है, तो ईडी कैसे इसका सदुपयोग करेगी? देखिए बिल्कुल, आज तीसरा दिन है अगर पूजा सिंघल के रिमांड की अगर हम बात करें तो जो दूसरी तीसरी बार जो रिमांड ली गई उसमें आज तीसरा दिन है, बुधवार तक ये रिमांड अवधि है, तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। मैं पिछले दो दिनों से ये कह रहा था कि सोमवार का दिन जो होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा ईडी कार्यालय में, चूंकि कई सवाल जवाब जो है वो पूछे जानी है। ऐसे में रिमांड के आज तीसरे दिन जब पूजा सिंघल से जब आज पूछताछ की जाएगी, जब डीएमओ यहाँ खुद पहुंच गए हैं, रांची के भी डीएमओ को तलब किया गया था जो पुराने और नए हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि और जब भी लोग यहां पहुंचने शुरू होंगे तो कई सवाल जवाब आज पूछे जाएंगे। आज कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जानकारियां बाहर आएंगी, चाहे वो अवैध खनन से जुड़ा मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला हो, या फिर ऐसे मामले जो सीधे तौर से पूजा सिंघल से जुड़े हुए हैं। एक जानकारी और जो सुबह में हमारे स्थानीय संपादक जो स्थानीय संवाददाता जो है साहिबगंज के, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो डीएमओ के बारे में जानकारी दी जा रही थी वहां से कि पिछले 4 सालों से ये एक ही पद पर वहां पे बने हुए हैं। पिछली सरकार में भी लगातार 1.5 से 2 सालों तक वहां पे बने हुए रहे थे, लेकिन जब सरकार चेंज हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, राज्य में जेएमएम की सरकार आई, इसके बाद भी विभूति कुमार जो हैं वहीं पे पदस्थापित रहे पिछले 2 सालों से, उससे अधिक समय से। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो थे साहिबगंज में बने हुए थे, जिस पर लगातार पूर्व में भी आवाज उठती रही है कि साहिबगंज में अवैध खनन होता रहा है, मौजूदा समय में भी आवाज उठती रही कि अवैध खनन होता रहा, लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह थी कि किसी एक व्यक्ति को 4-5 सालों तक एक ही पद पर साहिबगंज के डीएमओ के पद पर उसे बने रहने दिया गया? वजह बनी जो जिस तरह से बताया जाता है कि अवैध खनन का जो केंद्र था वो साहिबगंज बना हुआ था। ऐसे में ये सारी चीजें जो बहुत अहम होगा अंजनी और इमरान, आप दोनों नजर बना रखिए, लेकिन अब ये बहुत अहम होगा अंजनी कि देखिए पूर्व डीएमओ जो रांची के हैं वो और जो वर्तमान डीएमओ हैं उनको भी बुला, उनसे भी पूछताछ होनी है आज, और विभूति कुमार जिनका इंतजार हो रहा था पिछले कुछ दिनों से वो भी पहुंच चुके हैं। अब जिन सवालों के जवाब अब तक ईडी को नहीं मिल पाए हैं, ये बहुत संभव है कि आज की पूछताछ में वो तमाम जवाब अब ईडी को मिल पाए, और अगर नहीं मिलते हैं तो यह सिलसिला अभी तो चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देखिए विभूति कुमार साहिबगंज के डीएमओ जिनकी जिनका इंतजार हो रहा था कि आखिर कब वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, ईडी ने समन भेज रखा था लेकिन अब तक वो पहुंचे नहीं थे जांच के लिए, लेकिन अब आज थोड़ी देर पहले वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ शुरू होगी। अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।